याचना नहीं अब रंग होगा, जंग बड़ा भीषण होगा। अब स्कोर हो चुका है एक्चुअली, जब मैं जैसे ही मैंने अंदर आया इतना क्राउड देखा है, क्योंकि सीसीएल में इतना क्राउड नहीं होता है। इट्स अमेजिंग क्राउड को देख के, आई मीन यू नो आई एम फीलिंग सो सो एक्साइटेड। अब पता नहीं, हम लोग यूजली टेनिस बॉल से खेलते नहीं है, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड फन। स्ट्रैटेजी तो हमारी यही रहती है कि यू जस्ट प्ले एंड हैव फन, दैट्स अबाउट इट। जी जब यू नो इट्स लाइक परफॉर्मेंस, यू नो अगर आप कुछ परफॉर्म करते हो एंड यू हैव एन ऑडियंस तो आपको परफॉर्म करने का और मन होता है, यू नो आप और 100% डालते हो। सो व्हेन यू हैव अ फुल क्राउड, I mean, you self get excited, और जब क्राउड हमारे साथ होता है, हमारी टीम के साथ होता है, तो और मजा आता है। I think I'm going to bowl. जी ये पहली बार मुंबई हीरोज खेल रही है, इट्स एन एग्जीबिशन मैच, हम लोग ने टूर्नामेंट में पार्ट नहीं लिया, बट इट्स जस्ट एन एग्जीबिशन मैच। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट, आई होप नेक्स्ट ईयर वी विल बी पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट एज अ प्रॉपर टीम। जी एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ कि इतना इतनी पब्लिक हमने कभी देखी नहीं है, आई मीन इट्स अमेजिंग, एंड वी कम एंड प्ले टू एयर इंडिया ग्राउंड अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज अमेजिंग, एंड आई एम रियली एक्साइटेड नाउ टू गो एंड प्ले। लेकिन क्रिकेट के प्यार करने वाले लोग हैं, बॉलीवुड वाले सब क्रिकेट के ऊपर प्यार करते हैं, उनको खेलने का इच्छा रहते हैं, और ऐसे माहौल में खेलना मुझे लगता है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ऐसे पॉपुलर लोग अगर दुनिया के सामने क्रिकेट खेले तो हम तो उनके साथ में खेलते रहते हैं, लेकिन ये आम पब्लिक के सामने ये टेनिस क्रिकेट खेलना, वो भी सेलिब्रिटी, वो उनके लिए बड़े गर्व की बात है। इसके लिए मैं उनको इनवाइट किया हूँ, ये सामान्य छोटे छोटे लोगों के सामने टेनिस क्रिकेट खेल के इतना सेलिब्रिटी उनको महत्व देते हैं, ये खुशी की बात है, वो उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। आई थैंक यू। Done? Yes, sir. Already spoken? No. अच्छा, one question. क्या कहना चाहेंगे? इंडिया प्रीमियर लीग में आपके बैटिंग देखी, बॉलिंग देखी, हमने इतना बढ़िया दृश्य था, ऐसा मॉल नहीं था कि आज ऐसा मॉल है, क्या कहना चाहेंगे? कलीना जो ग्राउंड है बिल्कुल अलग लग रहा है, आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम। मैं जब भी आया हूँ तो इतना क्राउड और इतना अच्छा माहौल नहीं देखा है, फ्लड लाइट्स भी एक्स्ट्रा लगा है सर आपने। हाँ थोड़ा ये मुझे अपने वानखेड़े स्टेडियम का फील दे रहा है, तो इट्स नाइस एटमॉस्फियर, द ग्राउंड इज गुड, द ऑर्गेनाइज वेरी वेल, एंड इट विल बी फन प्लेइंग हियर टुडे। हम बिल्कुल नर्वस नहीं है, बिकॉज मैं अपने आप से अपनी टीम से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, तो नर्वसनेस आई थिंक है ही नहीं बिल्कुल, बिकॉज दे आर ऑल ग्रेट प्लेयर्स है। अगर हम उनको एक्टिंग में बोलेंगे तो उनको भी नर्वसनेस नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक्टर्स हैं। सो इट विल बी अ प्लेजर प्लेइंग अगेंस्ट देम, विल बी फन, एंड अगेन थैंक द जेंटलमैन नेक्स्ट टू मी फॉर ऑर्गेनाइजिंग द होल टूर्नामेंट एंड एवरीथिंग सो वेल। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। विशाल सिंह जैसे सबसे कंजूस बल्लेबाजों की बल्लेबाजी, बल्ले ने गेंद को काफी जख्म किया है, जी आई थिंक इतना क्राउड हम लोग सीसीएल में भी नहीं देखते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्रिकेट हमारे इंडिया के लिए रिलीजन है, और ये टेनिस बॉल से मैचेस हैं, तो ये यहाँ पे छोटे छोटे शहरों से हर जगह से लोग आते हैं और अपने क्रिकेट के टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं, सो बहुत ही मज़ा आएगा ये देखकर,
और खेल कर भी अभी क्योंकि इसके बाद हमारा भी मैच है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस माय फेवरेट स्पोर्ट इज टेनिस एंड स्विमिंग एंड क्रिकेट साथ में क्योंकि क्रिकेट हम लोग हर लगभग हर संडे या हफ्ते में एक बार या दो बार खेल लेते हैं जी मैं बॉलिंग करता हूँ और बैटिंग में लप्पू तो बैट पे आती है तो भारी जाती है वरना विकेट जी आज की गेम अभी तो हम लोग आए हैं तो अभी स्ट्रैटेजी बनेगी बट मेन पॉइंट तो विनिंग होगा एंड मेन पॉइंट ये भी होगा कि अच्छी तरह खेले वी शुड गिव इट आवर बेस्ट और मतलब बेस्ट पॉसिबल बॉलिंग करनी है उस वक्त का खेल प्रदर्शन होता हुआ तीन ओवर में स्कोर हो गया 26 जी आई थिंक बहुत ही अच्छा है बिकॉज इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि गली टू ग्राउंड है तो बहुत ही बड़ी बात है एंड सबको अपने टैलेंट की का प्रदर्शन करने को एक चांस मिलता है एंड साथ में बेस्ट बैट्समैन को गाड़ी मिल रही है तो सब लोग अपना बेस्ट देंगे एंड आई थिंक बेस्ट परफॉर्म करेंगे सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड सारी टीम्स मे बी मे द बेस्ट टीम विन थैंक यू सो मच थैंक यू तो ऐसा लगा कि हमारे जो काली है उनको मुद्दे चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर क्या बात है अरे बहुत बढ़िया यार एक अलग ही माहौल है एक अलग ही यू नो एक्साइटमेंट है और एक अलग ही एनर्जी है इधर बहुत सही लग रहा है दो ऐसे आधार स्तंभ हमारे बीच एक्स मिस्टर इंडिया रजनीश दुग्गल इनका आक्रमण हो चुका है वेलकम रजनीश एक बॉल पे 6 रन मार के इसके अलावा मशहूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीधे लड़के सीधे भगवानी अरे इनका भी आगमन हुआ है हार्दिक स्वागत है थैंक यू जी इनका हार्दिक स्वागत थैंक यू महेश पांजरेकर इनका हार्दिक स्वागत ऐसा है कि गेम है इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है कि हम सामने वालों के चक्के छुड़ा लें या हो सकता है कि सामने वाले हमारे चक्के छुड़ा लें तो यू नेवर नो इट्स क्रिकेट कंपटीटर की बात करें तो सारे नेशनल प्लेयर हैं सारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं और एक नर्वस मतलब अभी यार देखते हैं ना खेल के उनको यार हमने खेला है अलग अलग लेवल पर खेला है पर ये लेवल पर मैंने नहीं खेला मुझे आज मौका मिला है तो लेट्स सी कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच आपण बघतोय दोन्ही संघ नाईक त्या ठिकाणी निघालेले एका बाजूला आमचा क्रिकेटचा संघ ज्याच्यामध्ये तुम्ही बघताय चंद्रकांत पंडित त्या ठिकाणी गेले संघनायक आहेत स्वतः आणि दुसऱ्या बाजूला आहे तो आमचा मुंबई हिरोज ज्या संघाला तुम्ही नेहमी बघता खेळताना सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग प्रतीक शाह साईराज बौतुले दीपक जाधव ऋषांत दिवाळीगा
न्यू मुंबई जे कॉर्पोरेट कबड्डी मधले प्लेयर आहेत, पद्मश्री पुरस्कार विजेते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हॉकी प्लेयर धनराज पिल्ले, आमचे रणजीपटू अमित दाने, संदीप पाडव हे संघामध्ये आहेत. आताच त्यांचा सत्कार तुम्ही पाहिलात आणि उमेश मांजरकर ज्यांचा सत्कार तुम्ही या ठिकाणी पाहिलात. सुप्रीमो हे सांगितलेलं आहे आणि सुप्रीमो नाणेफेक जिंकलेली आहे. महेशजी महेशजी एक दोन मिनिट फोटो करून खूप खूप धन्यवाद. महेशजी काय निर्णय घेतलाय? आम्ही बॅटिंग आणि फिल्म स्टार आणि क्रिकेटर मधली ही जी संकल्पना आहे त्याविषयी काय सांगू इच्छित? बरेचसे सीसीएल मुळे बरेचसे फिल्म स्टार क्रिकेट खेळायला लागले आणि बरेचसे क्रिकेटर पण फिल्म स्टार झालेले. आताच एक गेले आमचे पाटील साहेब. 6 षटकांचा सामना आहे, किती पर्यंत धावा काढू इच्छिता? 12 च्या ऍव्हरेजने केले तर आम्ही 72 होऊ शकतात, पण तेवढे होतील की नाही माहिती नाही. खूप खूप धन्यवाद आपल्याशी बोलल्याबद्दल. चंदूजी आपल्या बरोबर 2 मिनिटं बोलूया. सगळे जे क्रिकेटर्स आहेत ते सगळे भारताला खेळले किंवा मुंबईला खेळले ते फिनिश बॉल. मित्रांनो नाणेफेक जिंकून प्रथम प्रथम फलंदाजी. धन्यवाद हरीश. नसीम जाफर, अमोल मुजुमदार, पृथ्वी शाह, साईराज भोतरे, दीपक जाधव, ऋषांत देवाडिगा जो न्यू मुंबईचा कबड्डी प्लेयर आहे, धनराज पिल्ले पद्मश्री पुरस्कार विजेते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हॉकीपटू, अमित दाने, इतेन तेजवानी, अंकुश चौधरी, आमिर हल्ली माहिती असेल एका बाजूला मुंबई इगल्स असे सिल्वरी क्रिकेट लीग मध्ये गेम्स आहेत. मात्र या ऑफ सीझन मध्ये मी आणि हरीश मॅक्झिमम जो आहे तो अभ्यास करत असतो, जास्त पुस्तक वाचत असतो. तर त्यावेळेला हे पुस्तक उद्योग मंत्री महाराष्ट्राचे जे अंतर्ज प्रबोधन या संस्थेचे संस्थापक व मार्गदर्शक सुभाषजी देसाई यांच्याच प्रबोधनमध्ये प्रकाशित झालं. तरी पुस्तक मला आजही डोळ्यासमोर येते आणि ते पुस्तक वाचताना